तीन कलर यूज हुआ है, बाहर वाला पूरा कट जाएगा। पेपर को हटा लेना है, देखिए इस वाले पेपर को लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नेम प्लेट पेंट से ही बनने वाला है। तो ये है स्प्रे पेंट, व्हाइट कलर का और ब्लैक कलर का। इस वाले स्प्रे पेंट से हम नेम प्लेट बनाने वाले हैं एक्रेलिक में, जो 3D इफेक्ट में रहेगा, काफी यूनिक रहेगा, कुछ नया आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं अंदर। ये अपना डिजाइनिंग सेट किया हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे फलाव तितली जो है इसे लगा लेते हैं, और इसमें एक आउटलाइनिंग देंगे 3D इफेक्ट देने के लिए। वो आउटलाइनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर 3D इफेक्ट नहीं आएगा। तो अपना जाएगा ब्लैक और आउटलाइनिंग देंगे रेड कलर का। तो यहाँ से आउटलाइन हमको ले लेना है रेड कलर का। MM का बात करें अगर, तो MM में हम कम से कम 1 mm का आउटलाइन देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 mm आउटलाइन हो गया। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं AI में, डेस्कटॉप के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल अपना आ चुका है, और फाइल आने के बाद में हम कलर अलग अलग सेट कर लिए, जैसे कि यहाँ किनारे अलग कलर है, और यहाँ पे देखिएगा लेटर का इनसाइड को हम अलग कलर कर दिए हैं, बाहर का अलग कलर कर दिए हैं। इसको हमको सेट कर लेना है कटिंग का। तो सबसे किनारे में जो हम लिए आसमानी कलर, इसको हम सेट कर लेंगे। इसको पूरा काट करके हटा देना है, तो 50 और 15 का स्पीड काफ़ी रहेगा। और इसके बाद में रेड आता है अंदर साइड का इनलाइन का, तो इसको हमको 80% के आसपास कटिंग करना है। तो 80% काटने के लिए पावर हम 50 का ही रहने देंगे, ये देखिए 50 का पावर, और स्पीड कर देंगे 25 तक का स्पीड, या फिर 22 का स्पीड कर देते। 22 के स्पीड में 80% के आसपास कट जाएगा। और इसके बाद में बच जाता है किनारे का, तो किनारे वाला सिर्फ हमको मार्किंग करना है। तो 50 का स्पीड, 150 का स्पीड कर देते हैं, पावर कर देते हैं सिंपल 30 का, ये देखिए ये हो गया 30 का पावर। और एक बार फिर से समझ लीजिए, तीन कलर यूज हुआ है, बाहर वाला पूरा कट जाएगा, लेटर का आउटसाइड हल्का सा सिर्फ मार्किंग होगा, और लेटर का इनसाइड वाला लाइनिंग 80% के आसपास आपको कटिंग करना है। तो ये अपना हो गया। अब इधर हम लेजर सेट कर लेते हैं, लेजर कर लेते हैं सेट, एरिया कर लेते हैं चेक, और यहाँ से फॉन्ट को जो है उल्टा करके भेजना है, सीधा नहीं भेजना है, यहाँ से मिरर करके डिजाइनिंग को भेजना है। इसका भी आप ध्यान दीजिएगा, डिजाइन जब हो जाए तो आपको यहाँ मिरर कर लेना है। ये मिरर कर लिए, अब हम इसे वहाँ पे चेक कर लेते हैं। लगभग ठीक ठाक है। अब हम यहाँ से कर देते हैं स्टार्ट। अपना कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अंदर वाले पेपर को हटा लेना है, देखिए इस वाले पेपर को, इस पेपर को अच्छी तरीके से हटा लेना है। इस लाइनिंग को अभी छोड़ देंगे, यहाँ जो आप लाइनिंग देख रहे हैं इसे छोड़ देंगे, अंदर वाले को सिर्फ हम हटाते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये आप देख लीजिए, इसका लाइनिंग को छोड़ दिए, अंदर का जो जो था फॉन्ट वाला वो हम हटा लिए हैं। अब सिंपल इसके ऊपर में करना है स्प्रे। इससे पहले हम यहाँ रख लेते हैं पेपर। तो जो भी कलर का आपको फॉन्ट देना है वो कलर का स्प्रे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देंगे ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का स्प्रे हम इसमें कर लेते हैं। ये देखिए,
ये हो गया अपना। अब पंखा चला करके जल्दी से सुखा लेते हैं क्योंकि काफी लेट हो रहा है। संडे का दिन है लेकिन सिर्फ वीडियो के चलते हम ऑफिस में रुके हुए हैं और कोई है नहीं। तो पेंट अपना सूख गया है, अब क्या करना है, अब बाहर वाले को इससे पहले लाइनिंग को अभी भी नहीं उखाड़ना है, अब बेस का पूरा हटा लेना है बेस को। तो बेस का पहले हम अंदर अंदर का जो आता है ना उसको हटा लेते हैं। तो ये बेस का अपना अंदर का है, एक यहाँ पे है, एक ए में है। अब सिंपल बैकग्राउंड को हटा लेना है, ये पूरा बैकग्राउंड को। अब तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद में हम इस पे कर देते हैं व्हाइट कलर का स्प्रे पेंट, क्योंकि पूरा का पूरा नेम प्लेट पेंट से ही बनने वाला है। तो पेंट हम दो बार करेंगे, एक बार हल्का लेयर चला लेते हैं और इसको तुरंत सुखाते हैं, उसके बाद फिर से एक लेयर चलाएंगे तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। दूसरे बार फिर से एक बार स्प्रे कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो संडे के दिन में सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहे हैं काफी मेहनत करके, तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एक बार और इसको सुखाते हैं। पेंट को रख देते साइड में, ये पेपर का भी काम हो गया खत्म, इसको भी रख देते साइड में। अब आ जाते हैं फिर से अपने जगह पे। अब आपको करना क्या है, पेंट अच्छी तरीके से जब सूख जाए तो ये लाइनिंग को उखाड़ लेना है सबसे लास्ट में, ये लाइनिंग को पकड़ के हटा देना है। और आप अगर चाहते हैं इतना ज़्यादा मेहनत ना करना और घर बैठे ये नेम प्लेट मंगवाना तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, पूरे इंडिया में घर बैठे आपको ये नेम प्लेट मिल जाएगा, आपको टेंशन इतना ज़्यादा नहीं लेना है। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से बना लीजिए। तो ये देखिए, ये जैसे जैसे हटते जा रहा ना लाइनिंग, और अभी तो कुछ नहीं है, इसका रिजल्ट अचानक से। तो पूरा पेपर हटा लेने के बाद में बारी आता है अब ये इसके ऊपर में ये क्रोम विनाइल पेस्ट कर देंगे। डायरेक्ट पेस्ट करना है, पेस्ट करके अगर एक बार भी उखाड़े मतलब गया पेंट साथ में लेके हट जाएगा। तो एक बार अच्छी तरीके से सेट करने के बाद में आप कटिंग कर लीजिए इसको। इसे कटिंग करते हैं, कटिंग कर करके तो टेबल पूरा खराब हो गया अपना यहाँ पे। अब देखते हैं मेहनत का फल कैसा लगता है। तो ये देखिए अपना फाइनल रिजल्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपको उभरा हुआ टाइप से दिख रहा होगा लेकिन सामने से पूरा प्लेन है, आप इसे घर के बाहर लगाइए, पूरा वाटर प्रूफ है और काफी लाइफ टाइम आप इसे कह सकते हैं। और सफाई वफाई करना भी बहुत इजी है और 3D जैसा लुक, अगर आप ऊपर से 3D लगाते हैं धूल डस्ट फंसता है, इसमें धूल डस्ट जाने का कोई चांस नहीं है। तो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और घर बैठे मंगवाने के लिए हमारे पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बोलते कि ना सुबह आ जाएगी जल्दी।